नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे मम्मी पापा ठीक ठाक हैं सभी के? और कोई नई ताजा? तो चलो आज काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि भाई बहुत भाइयों के सवाल जवाब हैं मेरे पास में मेगमा टूल से रिलेटिव। मेगमा टूल की इतनी अच्छी वीडियो बना के मैंने डाल रखी है, लेकिन लोग वागों की समझ में नहीं आ रहा कि मेगमा टूल है क्या। और ये फ्री में है बिल्कुल, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट का चार्ज लगता है। इसमें ओनली क्रेडिट का चार्ज लगता है और बाकी टूल तो फ्री है। फ्री रजिस्ट्रेशन, फ्री डाउनलोडिंग, सब कुछ, बस क्रेडिट ही तो है। एक क्रेडिट आपका 100 रुपए का, बताओ और क्या चाहिए आपको। तो देखो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मेगमा टूल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ मैं, और वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना आपको, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में जब इसे रन करोगे, तो रन करने के बाद में सबसे पहले इंटरफेस आएगा आपके सामने ये वाला। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए, एक लॉगिन है, एक रजिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन उस जीमेल आईडी से करना है जो जीमेल आईडी आपकी चल रही हो, वर्किंग में हो। जीमेल आईडी डालो और अपना पासवर्ड कुछ भी रखो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। जीमेल आईडी डाल के और अपना पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जब आप अकाउंट क्रिएट कर दोगे तो वहां पे 0 क्रेडिट आपका दिखाएगा इंटरफेस में, ठीक है। तो अब आपको क्रेडिट लेने, एक क्रेडिट 100 रुपए का, 100 रुपए का क्रेडिट है, और कम से कम 5 क्रेडिट और 10 क्रेडिट। तो मोस्टली क्या होता है कि लोग वाग सभी 10 क्रेडिट लेते हैं, और जो सेलर होते हैं वो सेलर भी 10 क्रेडिट देते हैं, ठीक है। तो 10 क्रेडिट हो गए आपके 1000 रुपए के। अब बात आती है कि एक क्रेडिट में कितने फोन होंगे। एक क्रेडिट में 4 फोन अनलॉक होंगे, FRP बाईपास सैमसंग की, ऑल मॉडल सैमसंग FRP बाईपास अनलॉकिंग 25 रुपए। जब आपका एक क्रेडिट 100 रुपए का और एक क्रेडिट में 4 फोन अनलॉक हो रहे, तो आपका एक फोन कितने का पड़ गया, 25 रुपए का पड़ गया। सबसे सस्ता, इंडिया का सबसे बेस्ट टूल बोल सकते हो इसे आप। बाकी इंडिया को तो नहीं है, बाकी बाहर की कंपनी है, सबको पता। बाकी ये है कि सबसे सस्ता है, और ना कोई हिचकिचाहट, ना झंझटबाजी, ना कुछ। लगाओ फोन, सिर्फ 18 सेकंड या 20 सेकंड में आपके फोन की FRP बाईपास हो जाएगी, ठीक है। अब आती है कि बात भैया कि हमें 5 क्रेडिट लेने और कहाँ से लें। तो भाई नीचे भी मैं नंबर डाल रहा हूँ, आप इस बंदे से कभी भी क्रेडिट ले सकते हो, कभी भी। कभी भी के मतलब जो टाइम होता अपना दुकान वाला टाइम होता, ऐसे नहीं कि आप रात को 12 बजे फोन करके बोलो कि भाई मेरे को क्रेडिट चाहिए, नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ टाइम टेबल होता, जो आपका टाइम टेबल आपकी दुकान का, उसी टाइम टेबल पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम चलता, बाकी बहुत इंस्टेंटली सर्विस है इनकी, ठीक है। तो अब आपको 5 क्रेडिट लेने या 10 क्रेडिट लेने, बंदे सामने वाले को कॉन्टेक्ट करो, पहले पैसा ट्रांसफर करो, पहले ट्रांसफर करो और बोलो कि भाई स्क्रीनशॉट, और ये मेरा जीमेल आईडी है, इसमें मेरे को 5 क्रेडिट चाहिए, ठीक है। अब क्रेडिट आ गए आपके फोन में, अब बोलोगे भैया इसकी वैलिडिटी कितनी है। भाई देखो, ऐसा है, वैलिडिटी समथिंग लाइफ टाइम बोल सकते हो, लेकिन अभी तक जिस बंदे ने यूज किया, किसी ने ये नहीं बताया कि भाई मेरा क्रेडिट खराब हो गया या कट गया या कुछ हो गया। अभी तक कोई ऐसा पीछे से कोई अपडेट नहीं है। समथिंग इनका जो क्रेडिट है वो लाइफ टाइम है, मेगमा टूल का क्रेडिट लाइफ टाइम है मोस्टली, ठीक है। साल भर लगा लो यार एक दुकान पे, जहां हम दुकान खोल के बैठे, क्या हमारे पास 10-20 फोन नहीं आएंगे सैमसंग FRP के लिए? आ जाएंगे यार, झंझट सब फटाक से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन बता दिया, क्रेडिट कैसे लेना वो भी आपको बता दिया। अब आ जाती बात, ये आ जाती कि भाई आप पासवर्ड भूल जाते हो तो कैसे होगा पासवर्ड। तो भाई जिस सेलर से आप क्रेडिट ले रहे, तो वो ही सेलर आपके अकाउंट को रीसेट कर सकता है। रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपनी जीमेल आईडी उस सेलर को देनी होगी कि भैया मेरी ये जीमेल आईडी है, इसका अकाउंट पासवर्ड चेंज कर दो या रीसेट कर दो, कुछ भी कर दो। अब सुनो मेरी बात, कि जब वो रीसेट कर देगा तो आपको जो आपकी जीमेल आईडी है वो चालू होनी चाहिए। आपको भी बताया, मैंने पहले बताया कि आपकी जीमेल आईडी चालू होनी चाहिए। जो जीमेल आईडी चालू होगी तो उस पे एक मैसेज आएगा, मैसेज क्या, पासवर्ड ही आ जाएगा उस पे, डायरेक्ट पासवर्ड आ जाएगा। और जो पासवर्ड होगा, जो स्पैम इनबॉक्स होता, स्पैम इनबॉक्स मतलब जो एक तो होता है इनबॉक्स जिसमें मैसेज आते हैं, जिस साइड में, जैसे आप करते हो ना कि
सेंड मैसेज और स्पैन मैसेज और एक दो मैं शायद भूल रहा हूँ, ठीक है। तो स्पैन मैसेज में उसका मैसेज मिलेगा, सिंपल सा आपको कोड मिल जाएगा, ओटीपी मतलब उसका कोड मिल जाएगा पासवर्ड का, ओटीपी मतलब कोड डालोगे फटाक से आपको लॉगिन, ठीक है। ये मेगमा टूल की कहानी है, हकीकतली कहानी, और इसमें इतना बड़ा कोई झंझटबाजी नहीं है कि आपका पैसा फंस जाएगा या कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं है यार ऐसा, बहुत ही सिंपल तरीका। ऐसे तो एक नॉर्मल बंदा जो कंप्यूटर चलाता ना कंप्यूटर, वो भी इस टूल को चला लेगा। इसमें दो ही ऑप्शन है, रीड इन्फो और FRP बाईपास मतलब अनलॉक, बस दो ही ऑप्शन है और कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं इसमें। मेगमा मतलब सैम हब भी है, सैम हब में भी कई चीज है, पर सैम हब थोड़ा महंगा, मतलब उसका क्रेडिट 100 रुपये का और उसमें 100 रुपये में 2 फोन होते हैं, तो मेगमा 100 रुपये में 4 फोन करके देता, मतलब आपको 4 फोन करके देता, 25 रुपये का पड़ गया ना आपको। तो अब क्या रह गया मेगमा टूल का, कुछ भी नहीं रह गया, सारी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए और स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझा भी दिया। नीचे मैंने नंबर डाल दिया, इन भाई से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो आपका टाइम टेबल होता है दुकान का, और ये आपको 100% ट्रस्टेड हैं और क्रेडिट कभी भी ले सकते हो आप इस पर, ठीक है। और हाँ, मेरा सवाल ये था भाई, आप वीडियो देखते नहीं हो, आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो, जब भी तो आपको पता नहीं चलता कि वीडियो में क्या बताया जा रहा क्या नहीं बताया जा रहा। ऐसी ऐसी बात मेरे को पूछते लोग हुआ कि भाई हम कैसे करें, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, भाई पहले वीडियो देखो ना, वीडियो देखोगे तो जब ही तो समझ में आएगा, आप वीडियो देखते नहीं हो पूरी, फॉलो ही नहीं करते वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप किया करो कि जैसे सामने वाला बता रहा उसी तरीका से करो, काम हो जाएगा। अगर जब भी उसके बाद नहीं होता तो फोटो कैप्चर करो और सेंड करो, सिंपल सा तरीका, और कुछ है भी नहीं इतना बड़ा मेगमा टूल का, इतना बड़ा कुछ है भी नहीं उसमें, ठीक है। आप अभी मेरे पास कॉल आई थी कि भैया कैसे रजिस्ट्रेशन करना क्या करना, अब उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया, जीमेल आईडी तो वही, लेकिन जीमेल आईडी के उस 709 था उसमें कुछ और लगा दिया और मेरे को दे दी जीमेल आईडी दूसरी, कमाल यार। हमने चेक किया वेरीफाई किया उसमें डल नहीं रहा था, वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है यार, ऐसे ऐसे आदमी फिर सामने वाला को के बोलता है कि मैंने तो कर दिया और आपको आया नहीं आया, तो उसमें हम क्या कर सकते। भाई आपका काम है, आप पहले से अच्छे से वेरीफाई करो कि मैंने किस जीमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया वो सामने वालों को, जब उसे ट्रांसफर करो, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं होता, पहले आप थोड़ा ना दिमाग को लगाया करो, ठीक है बस, और पहले वीडियो को पूरी स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करो, उसके बाद कोई काम किया करो। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता सीखने के लिए तो हमें लाइक करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना कि हमने आपके इस टूल से इतने फ़ोन अनलॉक किए या इतने किए, अभी तक हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला या ख़राब मिला, या किसी फ़ोन को FRP बाईपास नहीं कर पाया या कुछ ना, बस यही आपसे पूछना। और ये सब एक एडवाइज है हमारी जो आपको हम बताते हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो समझदार हो आप, कहने की बात ही नहीं है, ठीक है इस चीज़ में। एक चीज़ और, सभी भाई ये मेरे तो पूछ रहे थे कि भाई आपकी LCD आएगी, भाई मेरी LCD बिल्कुल नहीं आई। आज ये लगा लो कि 30 मार्च की ऑर्डर था, 30 मार्च का ऑर्डर किया था, जो पेमेंट दी थी मैंने 44,000, ठीक है, ऑन द सपोर्ट पेमेंट, ना कि कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, ऑन द सपोर्ट डायरेक्ट बैलेंस दिया था Realme की ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन आज तारीख पता कितना होगी, आज तारीख होगी मेरे को ध्यान नहीं है, समथिंग 27 या 28 तारीख होगी, 27 तारीख है शायद, ठीक है। तो मतलब अभी तक उन बंदों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उन बंदों का रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर हम आपको कूपन कोड दे रहे हैं कि आप दोबारा से Realme TV बाय कर सकते हो। भाई मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने केस कर दिया। लेकिन यही है कि भाई बहुत घटिया बंदे हैं, जो भी कोई सेलर है इसका या कोई इंचार्ज है, बहुत ही बकवास है। मैं तो कहता हूँ नथिंग यार, इतना टाइम थोड़ी होता। एक छोटी सी बात बताओ, 44,000 रुपये आप देते हो, मतलब 44,000 छोड़ो, अगर आप कोई गाड़ी लेते हो या बाइक लेते हो कोई नई, पहले पैसे देते हो क्या, देते हो क्या, नहीं देते ना तो चलो मेरे साथ हो गया, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो अपना देख लूँगा मैनेज, क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा आगे। बाकी यही आप सबका सवाल था, मैंने आपको जवाब दे दिया, अभी मेरी LCD नहीं आई। और हाँ भाई, जो मेगमा टूल की वीडियो 100% ट्रस्टेड है, काम किया करो देख के, ऐसे मत किया करो, पहले वीडियो को देखो फॉलो करो उसके बाद वो करो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे ही ऐसे ऐसे नए टॉपिक पे वीडियो आती रहेंगी, आपको मिलता रहेगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।